क्लॉथ के साथ में रख कर घिस देते हैं थोड़ा सा, तो उसमें एक एबिलिटी आ जाती है कि वो छोटे छोटे जो मतलब लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं पेपर के, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हुई है, इसी को हम ये कहते हैं कि वो जो है वो बॉडी अब चार्ज हो गई, मतलब उसने अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लिया। चार्ज जब किसी बॉडी पर आ जाता है तो वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। अच्छा, अब उसके बाद जो जो प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हुई उसको हमने बोला चार्ज। अब चार्ज जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस। देखिए, अपोजिट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल, अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट अ नेगेटिव चार्ज। तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, विच इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल सी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम्ब होती है, सी ओ यू एल ओ एम बी कूलम्ब, और उसको हम शॉर्ट में कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये देखना है कि यहाँ पर वन कूलम्ब क्या है। वन कूलम्ब इज दैट क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9×10⁻⁹ न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज बेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। तो अगर ये पूछा जाए कि 1 कूलम्ब क्या होता है, तो 1 कूलम्ब को इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि 1 कूलम्ब बॉडी के ऊपर 1 कूलम्ब का चार्ज है तो वो 1 कूलम्ब के चार्ज पर ही कितना फोर्स लगाएगा, 9×10⁹ न्यूटन। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी इधर है और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। मान लीजिए ये फर्स्ट बॉडी है तो इसके चार्ज को बोल दिया क्यू है, तो ये इस पर चार्ज है 1 कूलम्ब। ऐसे ही दूसरी बॉडी है, इस पर इसको क्यू टू बोल दिया, इस पर जो चार्ज है वो क्यू टू बोल दिया उसको, वो भी 1 कूलम्ब है। 1 कूलम्ब और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 1 मीटर है। अगर 1 कूलम्ब उसको बोलते हैं कि अगर एक बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज है तो जो दूसरी बॉडी उससे रखी हुई है 1 मीटर की दूरी पर, अगर उस पर भी 1 कूलम्ब चार्ज है तो ये बॉडी इस बॉडी पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी, 9×10⁹ न्यूटन। तो दोनों एक जैसे चार्जेस हैं, तो सिमिलर चार्जेस हैं, 1 कूलम्ब और 1 कूलम्ब एक जैसे, लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इसको रिपेल करेगा कितने फोर्स से, इसमें वह फोर्स कितना लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, 9×10⁹ न्यूटन। तो इस तरह से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ऑल द मैटर कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स। तो हमने ये कहा कि जितना भी मैटर है पूरी दुनिया में, जितना भी मैटर है, मैटर में हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो पूरी दुनिया में जितना भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सारा का सारा मैटर चार्जेस से ही मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सब चार्जेस से ही मिलकर बना होता है। तो ऑल द मैटर कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो जितना भी मैटर है सब में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ऑल द मैटर कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सब जितना भी मैटर है पूरी दुनिया में उसमें सब में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अ प्रोटॉन पजेसेस अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1.6×10⁻¹ कूलम्ब। एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6×10⁻¹ कूलम्ब, इतना चार्ज होता है एक प्रोटॉन में। एक इलेक्ट्रॉन में भी इतना ही चार्ज होता है। बस ये कह देते हैं कि प्रोटॉन में अगर वो चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, 1.6×10⁻¹, ये फिक्स वैल्यू है, प्रोटॉन में इतना चार्ज होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन में −1.6×10⁻¹ कूलम्ब, इतना चार्ज होता है। अब देखिएगा, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन है कैलकुलेट
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अभी मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो ये निकालना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स को जो चीज़ निकालनी होती है उसे मैं राइट हैंड साइड पर रखूँगा। अगर ये पूछते हमसे कि 50 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है ना, हाउ मच चार्ज इज इन 50 इलेक्ट्रॉन्स, अगर पूछते कि 50 इलेक्ट्रॉन्स में या 5000 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है, तो कितना चार्ज, हाउ मच चार्ज, अगर वो चार्ज पूछते तो मैं चार्ज को यानी कि कूलम को राइट हैंड साइड में रखता। वो पूछ रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को राइट हैंड साइड में रखूँगा। यानी कि इस इक्वेशन को मैं पलट कर लिखूँगा, ऐसे लिखेंगे 1.6 × 10⁻¹ कूलम इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नहीं, वो हम इसलिए लिखते हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वो हम इसलिए लिखते हैं कि वो नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव अट्रैक्टिव होगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, वो तब लिखा जाता है। जब वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वान्टिटी जो है ना, क्वान्टिटी हमेशा पॉजिटिव ही है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 1 कूलम 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम इज द चार्ज ऑफ चार्ज ऑफ 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन्स। पता नहीं यहाँ पर समझ गए, जब भी कभी हमसे ये बोला जाता है, मान लीजिए हमसे ये बोला जाए, अभी ऑनलाइन थे शायद, अच्छा क्या हो गया अचानक, तुम्हारा मैसेज भी आया था अभी फिजिक्स की हार्ड कॉपी का, कब है तुम्हारा एग्जाम कब है, कल, ठीक है कल, मुझे सुबह भी एक बार याद दिला देना, मैं कल निकलवा कर रखता हूँ। अरे मैंने हार्ड कॉपी किस किस को नहीं दी है अभी तक, 1, 2, 3, 4 बच्चों को नहीं मिली, बाकी सबको मिली है ना, हाँ 5, 10 कॉपी नहीं खुलवा रहा, चलिए देखिए भाई। अगर मान लीजिए हमसे ये बोला जाए कि रुपीज़ 5 + ₹50 कॉस्ट ऑफ 10 आइटम्स, ये 10 आइटम है, कोई भी 10 चीज़ है उसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है, तो हमसे ये पूछा जाए कि 1 रुपये कितने की कॉस्ट होगी, तो ₹1 जब वन के लिए निकालते हैं यानी कि यूनिट के लिए निकालते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं उसको, तो ये 50 × 10 के नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ 10 upon 50 items, सही है। तो यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो यूनिट के लिए यानी कि वन के लिए निकल कर आ जाएगा। वही कहानी यहाँ पर कि 1.6 × 10⁻¹⁹
ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था तो एक कूलम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा, तो ये पूरा जो टर्म है यहाँ डिनोमिनेटर में चला गया। अब मुझे केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा कि एक कूलम जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज था वो आ जाएगा हमारे पास। इसको ऐसे लिखेंगे 1.6 और ये 10^-19 है, इसको ऊपर ले जाओ ये हो जाएगा 10^+19। ये डेसिमल हटा दिया तो ऊपर 10 आ गया। अब क्या करिए, ये 10 है और ये 10^19 है, इसमें से एक जीरो इसके साथ लिख लो यानी कि 100 बना लो इसको, तो ये 10^19 जो है ये 10^18 रह जाएगा। ये समझ गए, ठीक है, ये 10^18 रह गया। और नीचे है इधर 16 से इसको डिवाइड कर दो, 16 minus 96 is 4, 4 0 40, 16 2 32, 40 minus 32 is 8, 8 0 80, 16 5 is 18, 6.25 into 10^10^18 electrons। ठीक है, तो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने 6.25 into 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, करोड़ों के भी करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई 10^8 होता है एक करोड़ जो है, तो 10^8 का नंबर 16 होता है, उससे भी मतलब 2 ज़्यादा, तो करोड़ों का भी करोड़ इलेक्ट्रॉन्स, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब जाकर एक कूलम बनेगा चार्ज, समझ गए। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। यहाँ तक बता दीजिए कोई ऑनलाइन वाले बच्चों को, क्लियर है गार्गी, मोनिका, अक्षय, ठीक है ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स नाम से ही पता है, पहले भी पढ़ रखा होगा कि जिन सब्सटेंसेस के थ्रू करंट फ्लो हो जाए उनको हम कंडक्टर बोलते हैं, जिन सब्सटेंसेस के थ्रू करंट फ्लो ना हो उनको इंसुलेटर बोल देते हैं। ऐसा ही है, दो सब्सटेंसेस थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो आर वन कंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो पड़ जाए उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स कॉमन, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। सो द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। तो दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है उसी को तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब दूसरी भाषा में ये कहा जा सकता है, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल, मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर कंडक्टर्स। तो जितने भी मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इन अदर वर्ड्स, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो आप दो इनकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो ना करें या तो उनको इंसुलेटर बनेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करें उनको इंसुलेटर बनते हैं। एग्जाम्पल, ग्लास, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ग्लास, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। टू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको देखिएगा, क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है। उन्होंने क्या बोला, दो सब्सटेंसेस थ्रू, ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स। अब देखिए ऐसा है कि आप ना अभी यहीं पर 10th क्लास में ही केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसमें जैसे कि 9th क्लास में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा था इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो जो मैटर अराउंड अस प्योर था उसमें हमने देखा था कि जितना भी मैटर है उसको एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में, मिक्सचर्स में क्लासीफाई करा जा सकता है। तो जब एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं तो एलिमेंट्स को भी ये कहते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं 3 अलग अलग टाइप, या तो मेटल, या फिर नॉन मेटल, या फिर मेटलॉइड, ये कहा जाता है। तो उसमें आपने ना मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, जैसे मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर हैवी, मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनी होते हैं, ठीक है, और मेटल्स का कुछ कलर होता है ग्रे कलर या सिल्वर कलर के होते हैं,
के नाम पर गोल्ड है जिसका कलर येलो होता है, कॉपर का रेडिश ब्राउन होता है। तो हमने ये देखा था मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मेटल की जो मेन डेफिनेशन है वो आप 10th क्लास में करेंगे। मेटल किसको बोला जाता है? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें उसको हम बोलते हैं मेटल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट वही तो करेगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमारे पास मान लीजिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सभी को पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 11 है, और जनरली स्पीकिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इक्वल होते हैं। तो भाई एक बात बताएं, जब ये 11 है तो इसको कैसे स्प्लिट करा जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, पहले शेयर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेयर में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2+8 कितना हो गया 10, तो तीसरे शेयर में कितना बचा? एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन तीसरे शेयर में आ जाएगा, तो 281। तो जो प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स वो इसके पास 11 थे, आउटर मोस्ट शेयर में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है कि ये अपने ऑक्टेट कम्प्लीट कर लिया। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप, वो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से खींच कर रहा है, इसके बस की बात नहीं है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर जाता है, ये कहता है कि अरे मैं डोनेट कर जाता हूँ, मेरे बस की बात नहीं कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आऊँ, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेयर में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसकी आउटर मोस्ट शेयर तो खत्म होगी ना, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से नहीं बचे। तो शेल कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अलमारियाँ बनी हुई हों उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ठीक। वो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने डोनेट कर दिया, तो हमारे पास 8 बचे, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 10 बचे। तो प्रोटॉन्स अब इलेक्ट्रॉन से कितने ज़्यादा है? 1 ज़्यादा। भाई प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, क्योंकि 1 डोनेट कर दिया। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, क्योंकि प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा, तो 1+। हमारे पास प्रोटॉन्स जो है वो 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन कैसे हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा क्या होता है कंडक्टर्स में कि कंडक्टर्स कंडक्ट कैसे करता है? तो आप ये कहेंगे कंडक्टर्स कंडक्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या चार्जेस तो हैं भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया, तो हमने क्या कहा कि चार्जेस का जो फ्लो है उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे यानी कि चार्जेस लगातार फ्लो करेंगे, तो जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। बोलो जी, क्लियर? ठीक है, अच्छा जी। अब आगे देखें, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इंसुलेटर्स आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मौजूद, वो न्यूक्लियाई में, मतलब जो न्यूक्लियस होता है ना उनका, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखता है। जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि इंसुलेटर्स में आप देखिए, मैंने एग्जाम्पल किस किस का दिया, ग्लास, माइका, प्लास्टिक, रबर, क्या इनका, क्या ये कोई एलिमेंट है? क्या ये कोई एलिमेंट है? ये एलिमेंट नहीं है, ये मेटल्स भी नहीं है, यानी कि इनका कोई पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर टाइटली हेल्ड बाय देयर न्यूक्लियस। जब वो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने होल्ड करके रखे हैं न्यूक्लियस में, भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी? सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर विच कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी, एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। तो इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने ही नहीं देता। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा जा सकता है, फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वही है कि
हमारे पास एक एबोनाइट रॉड थी, उसको अपने बुलन जो क्लोथ था उसके साथ में रख करा, फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर आ गए, या फिर हमारे सर के बाल तो थोड़े हैवी होते हैं, हाथों पर जो बाल होते हैं वो बड़े लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो आप जो स्केल होता है ना उस स्केल को ही अपनी किसी वुलन शर्ट पर या वुलन स्वेटर पर रब करें और हाथों के बालों के पास लाओ, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हाथों के बाल हल्के हल्के से खींच रहे हैं उसकी तरह, ठीक है। ज़्यादा करना चाहो तो जो टीवी की स्क्रीन होती है ना, टीवी की स्क्रीन, जब टीवी आपने चला रखा है तो टीवी को ऑफ करो, ऑफ करने के बाद हाथों के बाल थोड़ा सा उसके पास लेकर जाओ, तो आपको लगेगा कि वो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरह, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, इन स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी, दे डू नॉट मूव। तो स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो रेस्ट में रहते हैं, यानी कि वो स्टेशनरी रहते हैं, रुके रहते हैं, दे डू नॉट मूव, मूव नहीं करते। द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड द चार्ज एक्वायर्ड बाई एन एबोनाइट रॉड रब्ड विद अ वुलन क्लॉथ आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एबोनाइट रॉड को अगर मैंने किसी वुलन क्लॉथ पर रब करा या ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब करा, तब उसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ और उसने जो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करा अपनी तरफ, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है, समझ गए, क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो इन करंट इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो मोशन में होते हैं एंड दे प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन अवर होम्स इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाती है, उसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बस दो मिनट हो गए, मैं अभी आ रहा हूँ, करवाता हूँ। Thank you.
चलिए जी, अब अगला टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है, व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, सो वर्क हैज टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब हम ये बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, कहीं पर कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अपने आसपास जो है ना एक एरिया, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। उस एटमॉस्फेयर को, उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने ये बोला कि जैसे मान लीजिए हमारे पास चार्ज है वो रिपल्शन महसूस करेगा, रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। हमने क्या करा कि हम एक दूसरे चार्ज को, उसको मैंने बोल दिया क्यू नॉट, उसको हम लेकर आ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ उसको रख रहे हैं क्यू नॉट, ये रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए हम गए और हम कहीं से चलते हुए और किसी एक जगह पर आकर बैठ गए तो हमने कोई रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करा, तो हम किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं उसको कोई दूसरी चीज़ ना रिपल कर रही है, यानी कि दूर धक्का दे रही है, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हैं तो वर्क करना पड़ रहा है ना ज़बरदस्ती। वर्क हैज़ टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को महसूस किया जा सके। तो हम ये कहेंगे कि जैसे ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, हेलो कहाँ से बोल रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लेकर आए थे। अच्छा 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 ले आओ ले आओ, आप लिखो F702 बोल दो, वो एंट्री हो गई F फरीदाबाद 702। हाँ जी F702 तो भेज दीजिए, F फरीदाबाद 702। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने आसपास पूरा एक एरिया बना लेगा कि इसके आसपास, जैसे आपने ना एक चीज और देखी होगी तो बचपन में आपने गेम खेला होगा कि एक मैग्नेट रखी हुई है और उस मैग्नेट के आसपास आप दूसरे किसी लोहे की चीज़ को लेकर आ रहे हो या दूसरे मैग्नेट को लेकर आ रहे हो, तो ज़बरदस्ती जब आप मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर आते हो तो वो मैग्नेट जो है वो रिपेल करती है, तो आप वो जब दबाने की कोशिश करते हो तो थोड़ा ऐसे ऐसे हिलने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको पलट कर दूसरी जगह से लगा देते हैं तो फिर वो चिपक जाती है। रीज़न ये है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, लेकिन अगर आप उसको पलट देंगे तो क्या होगा कि नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल पर जाकर लग जाएगा, तो नॉर्थ पोल जब साउथ पोल पर जाकर चिपकेगा कि अपोजिट पोल्स हो गया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर है कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो भाई आपको ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको वर्क करना पड़ेगा, तो दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल बी, ठीक है, इट इज जनरेटेड बाई कैपिटल बी,
और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि एक चार्ज जो आप लेकर आए उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आने में कितना वर्क कर रहा है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स। इट्स ऐसा यूनिट है वोल्ट्स, बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है, दूसरा एक टर्म आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अब देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये है कि आप एक चार्ज को यहाँ पर लेकर आ गए, क्यू नॉट को यहाँ पर आप लेकर आ गए। कहाँ से लेकर आ गए? आप बाहर से लेकर आए, बड़ी दूर से, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर आए। तो इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर उसको मैंने यहाँ पर रख लिया और यहीं से ये कहा जाए कि इसको शिफ्ट करके आपने यहाँ पहुँचाना है, क्यू नॉट को यहाँ से उठाकर और क्यू नॉट को आपको यहाँ तक पहुँचाना है, तो हम ये कहेंगे कि क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ अगर आपको पहुँचाना है तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए जी, मेरी बात समझ गए? अगर बाहर से यानी कि इन्फिनिटी से बहुत दूर से आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हैं और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लोकेट कर रहे हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर आपने एक चार्ज यहाँ ऑलरेडी रख रखा है, उसी चार्ज को यहीं से इसी पूरा जो मैंने फिगर बनाई है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना है तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की भी वही होगी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, यानी कि वोल्ट्स। ठीक है, तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस को भी वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसकी भी ऐसा ही होगा वो वोल्ट्स होगा, उसका भी फॉर्मूला यही होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। बताइए जी, क्लियर मेरी बात? ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। ये है द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं।
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर
then electric charges will flow from the body at higher potential to the one at lower potential till they both acquire the same potential. तो जब दो बॉडीज़ का चार्ज जो है वो अलग अलग होता है तो जो चार्जेस हैं वो हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ फ्लो करने लगते हैं और यही जो फ्लो ऑफ चार्जेस है ना इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. दिस फ्लो ऑफ चार्जेस इन द मेटल वायर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब हर सेकेंड पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करा जाता है I से. इलेक्ट्रिक करंट इसको डिनोट करते हैं I से. I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये होता है. अच्छा, और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट इज एम्पियर्स, A-M-P-E-R-E-S, एम्पियर्स. एम्पियर्स को शॉर्ट में ए बोल देते हैं, शॉर्ट में ए बोल देते हैं. इलेक्ट्रिक करंट का बस इतना करिएगा ठीक, बाकी इसके जो मेरिकल्स हैं नेक्स्ट क्लास में करा दो, आज इतना ही कर लीजिए. गुड इवनिंग. 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 ठीक है भाई, कल करो ना.